डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज 28 दिसंबर की करंट अफेयर्स के बारे में चलिए कुछ चर्चा करते हैं। और चर्चा करने के पहले एक सवाल को उतरते हैं, हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी क्या है? जी हां, आपने सही फरमाया, धर्मशाला है। गर्मी में शिमला होता है और जाड़े के वक्त में राजधानी धर्मशाला हो जाता है। चलिए कुछ मुद्दों को आप देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्र के हिमाचल प्रदेश के वार्षिक बजट में 21,000 करोड़ से बढ़ाकर 72,000 करोड़ रुपए कर ली, तो 50,000 के ऊपर का ज्यादा हिमाचल प्रदेश को दिया गया, उनके बजट दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां पे हिमाचल प्रदेश में 4 बड़ी रेल लाइन हो रहा है जिसके लिए 15,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। साथ साथ हिमाचल प्रदेश में डेवलपमेंट ज्यादा हो इसके लिए बजट को उन्होंने बढ़ाने का ऐलान किया है। चलिए शिमला, ये इसका 2 कैपिटल होता है, अभी हमने चर्चा किया, गर्मी में शिमला होता है हिमाचल प्रदेश का और जाड़े में धर्मशाला होता है। इसके जो गवर्नर हैं वो आचार्य देव हैं, चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत हैं, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैं। वहां की जो लेजिस्लेचर है वो 68 सीट की केवल विधानसभा है, विधान परिषद आपके हिमाचल प्रदेश में नहीं है। और ये राज्यसभा की 3 सीट है, यहाँ लोकसभा की 4 सीट है और इसकी पॉपुलेशन जो है 6,86,00,000 है। और ये एरिया में भारत का 18वां राज्य है और पॉपुलेशन में 21वां राज्य है। तो चलिए इसके चीजों को और एक बार देख लेते हैं। तो हाँ, हमने जो देखा हिमाचल प्रदेश में जो वार्षिक बजट की राशि थी 21,000 करोड़, उससे बढ़ा के 72,000 करोड़ की कर दिया गया है, क्योंकि 4 बड़ी रेल लाइन पे काम हो रहा है जिसके लिए 15,000 करोड़ की जरूरी है और इसके लिए आज ही प्रधानमंत्री ने ऐलान किया हुआ है। कैपिटल देखिए इसका शिमला है और धर्मशाला है, धर्मशाला जो कैपिटल जाड़े में होता है। गवर्नर जो इनके हैं, राज्यपाल हैं वो आचार्य देव हैं, चीफ जस्टिस जो है वो सूर्यकांत जी हैं और चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जो है जयराम तिवारी जी हैं। यहाँ पर जो है राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा की 4 सीटें हैं, एरिया में वो 18वां है और पॉपुलेशन में पूरे देश में इसका 21वां स्थान है। तो चलिए ये तो होगी, आगे चलते हैं। पर्यटन, संस्कृति, सड़क, जहाजरानी और विमानन से जुड़ी संसद की स्थायी समिति, पार्लियामेंट्री पैनल बोलते हैं। देखो पार्लियामेंट के अलग अलग पैनल होते हैं, तो इसमें ये पैनल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के जो सदस्य और समिति के अध्यक्ष हैं वो है डेरेक ओ ब्रायन। तो ये महाशय ने, इनकी समिति ने मूल्यांकन किया, इंडिगो एयरलाइन को बोला कि सबसे खराब जो है उनकी स्थिति है यात्री सामान नीति में, मतलब यात्रियों को सर्विस देने में, सामान को सर्विस देने में, और जबकि एयर इंडिया की जो है सर्विस सबसे अच्छी है। तो ये पार्लियामेंटेरियन ने, इनकी एक टीम होती है, इन्होंने इसको आज बताया। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। आता है 3 तलाक विधेयक। देखिए 3 तलाक विधेयक जो है आज वो पास हो गया है। इसको मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार संरक्षण विधेयक भी बोलते हैं, मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार संरक्षण विधेयक, यही 3 तलाक विधेयक है। देखिए 3 तलाक के बारे में कुछ बातों को फटाफट जान लेते हैं। 3 तलाक है, तलाके बिद्दत मतलब इमीडिएट तलाक हो जाता है, और आज इसी ट्रिपल तलाक को जो है इसको लोकसभा में पेश किया गया और बाद में ये पास भी हो गया, जबकि कांग्रेस और AIDMK के जो ने लोकसभा को वॉकआउट किया था। खैर इनको वॉकआउट करने से भी कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं था, इन्होंने अपना खाली विरोध दर्ज कराया था कि उन्होंने बोला था कि इस बिल को पहले लेफ्ट कमेटी के पास भेजा जाए। एनीवे, इस्लाम में आप जान लीजिए कि 2 तरह के तलाक होते हैं। पहला तलाक होता है अल सुन्ना, जिसे पैगंबर मोहम्मद के हुक्म के मुताबिक किया जाता है, और दूसरा होता है तलाक अल विद्दत, जिसे बाद में ईजाद किया गया है। और इसमें सही में पूछिए तो ये किसने ईजाद किया ये भी पता नहीं है। कुरान के सीधे तौर पर 3 तलाक का कोई जिक्र नहीं है और ना ही पैगंबर मोहम्मद ने इसके बारे में सीधे तौर पर कुछ कहा है। कुरान में सिर्फ 1 बार तलाक बोलने से ही तलाक होने का जिक्र है।
लेकिन इससे पहले दोनों के बीच सुलझ कराने के लिए भी कई उपाय गए हैं जो सूरह निसा 35 में कहा गया है। तो कहने का मतलब क्या है, ये तीन तलाक जो है ये बेसिकली पूरे धर्म के इससे नहीं आया हुआ है, क्या कहते हैं, कुरान से नहीं आया है, ये बीच में कहीं से घुसा हुआ है। और सही में ये जो था मुस्लिम महिलाओं के लिए ये काफी दर्द भरा एक चीज था, जिससे एटलीस्ट सरकार ने कानून बना के मुक्ति दिया। इसके लिए सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये साहस को दिखाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा एयरपोर्ट, वो भी विदेश में, जिसके चारों तरफ जहरीला पानी फैला हुआ है और जिससे लोगों को कैंसर होने की भयंकर खतरा है, और ये कुछ नहीं है, सिडनी का एयरपोर्ट है। तो सोचिए, हम अपने देश की व्यवस्था को बोलने के लिए बोलते हैं, बाहर भी कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जाती है। अब चलिए, ट्रंप ने कहा दुनिया के रखवाली का ठेका नहीं ले सकता है अमेरिका। सीरिया से आप जानते हैं कि अभी सैनिक को वापस बुलाने की बात हो गई और सब सैनिक वापस आ भी रहे हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पर कोई आतंकवादी हमला हुआ तो उसका करारा जवाब दूंगा, लेकिन भैया कहीं पर कुछ हो रहा है, मैं अपनी सेना को भेज के क्या कहते हैं अवस्था को सुधारूं, मैं अपने पैसा खर्चा करूं, मैं अपने जवानों का जान को इस पे लगाऊं, बहुत हो गया, अब नहीं करना है। जरा अब 2011 के सीरिया के बारे में जान लेते हैं। सीरिया के बारे में कुछ चीजों को आज मैं आपसे बातें करूंगा, कुछ चीजों को आगे चल के करूंगा, क्योंकि ये एक बराबर की होने वाली घटना है, तो ये ऐसा नहीं है ये आता ही रहता है। देखिए सीरिया में क्या हुआ, 2011 के बाद सीरिया में अब गृह युद्ध बोलिए या एक सशस्त्र संघर्ष हुआ, और इसमें बहुत सारे स्वघोषित राजनीतिक संस्थाएं उभर आई, क्योंकि सीरिया के बहुत सारे राजनीतिक दल ने बाहर के सेनाओं के साथ हाथ मिला लिया, जैसे सीरियाई विपक्ष रोचा हुआ, तहरीर अल शाम हुआ, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक हुआ, तो इनके बीच में एक अजीब सा युद्ध छिड़ गया। ये पहले की कहानी बोलते हैं, उसके बाद 2014 से तो कहानी और भी चेंज हो गया। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में सीरिया का जो है, ग्लोबल पीस इंडेक्स मतलब है ये एक सूचकांक है जिससे किस देश में कितनी शांति है, तो उसके लास्ट जो है सबसे जो खराब देश है, हिंसक देश है जो बोला जा रहा है, वो सीरिया है आज की डेट में। जबकि 2017 में अमेरिका ने जब ये अधिकरण के बाद जब है वहां के नागरिक जीवन बहुत सामान्य हो गया था, लेकिन अब अमेरिकी सेना वापस जा रही है, अब पता नहीं क्या होने वाला है। इस युद्ध में 4,70,000 मौत जो हुई है 2016 के रेकॉर्ड में है। 76 लाख लोग माने बमबारी के भय से और इनसे एक शहर से दूसरे जगह शहर में विस्थापित हुए हैं। 50 लाख से लोग जो है परिवार है शरणार्थी बन चुके हैं। तो अब तो ये हाल है कि ये इधर का लोग उधर चला गया, ऐसी एक हालत है कि अभी ये अभी जनसंख्या भी सीरिया का बोलना मुसीबत हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा ये जो देश है, तो इसके बारे में और भी हम जानेंगे, और ये जानते हुए रहना ही है क्योंकि इसके ऊपर सवाल आने की संपूर्ण संभावना रहता है। चलिए आगे चलते हैं। आज ही के दिन रेल के महिलाओं को, महिला का मतलब है यहां पे बोला गया है 35 साल से ज्यादा उम्र की महिला और बुजुर्गों को नए साल का रेल ने तोहफा दिया है, बढ़ाई है आरक्षित लोअर बर्थ की संख्या। मतलब बॉगी में कोई चेंज नहीं हुआ है, बर्थ में क्या है कि नीचे के सीट के बर्थ जो है उनके उनके लिए कर दिया गया है, या तो वो 45 साल की महिला होंगी या बुजुर्ग होंगी, उनके लिए पहला 13 जो सीट नीचे का बर्थ जो है, नीचे का जो है वो उनके लिए आरक्षित कर दिया गया है। ये मेल और एक्सप्रेस सारे ट्रेन में 1 जनवरी से चालू हो जाएगा, और राजधानी शताब्दी और दुरंतो जैसे ट्रेन में उसमें 13 के जगह 9 सीट है। इसे भी जरा ध्यान देंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज है, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास और चिकित्सा स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा है कि 15 जनवरी से 4 मार्च के बीच जो कुंभ का मेला होने वाला है, याद रखेंगे ना, चलो कुंभ चले इसकी स्लोगन है,
यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, तो उसमें बोला जा रहा है 1,20,00,000 से लोग, आधिकारिक अनुमान है कि इस यहां पे आएंगे कुंभ मेले में, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मानव सभा होगा। तो एक अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है। चलिए अब अभी जो है हमारे भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे शेरिंग जो है वो पधारे हुए हैं, एक्चुअली कल ही पधारे हुए हैं, और उनको रिसीव करने के लिए हमारे जो है वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला जी पहुंचे थे। अब आप कुछ छोटे न्यूज को ले लेते हैं। सरकार ने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स KLF को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है। इंपॉर्टेंट न्यूज है एग्जाम के लिए। दूसरा, निर्वाचन आयोग ने अगले साल आम चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर तंबाकू सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जी हां, तंबाकू मतलब सिगरेट फूंकना ही नहीं होता है, क्या कहते हैं, परी की नहीं खा सकते हैं, पान नहीं खा सकते हैं, ये सब मतदान केंद्र पे नहीं कर सकते हैं। और रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान को विशेषज्ञ समिति का प्रमुख नामित किया है। नोट कर लीजिए, गवर्नर, पूर्व गवर्नर जो थे बिमल जालान, अब जो है विशेषज्ञ समिति के प्रमुख बने हैं। नीति आयोग ने आज आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी किया है। तो इस तरह की रैंकिंग की दूसरी लिस्ट है ये कब से कब का है, 1/6/2018 से 31/10/2018 का। इसमें 6 मतलब इस पे विभागों पे ये किया जाता है, एक है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, दूसरा है एडुकेशन, तीसरा है एग्रीकल्चर, चौथा है वाटर रिसोर्सेस, फिर है फिनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इनके ऊपर जो इसकी किस जगह किस इसमें जिला में कितना काम हुआ, इसके ऊपर पूरे भारतवर्ष का एक रैंकिंग होता है। तो ये दूसरा लिस्ट जो है आज नीति आयोग ने दिया हुआ है। चलिए आज देखिए इंफॉर्मेशन या न्यूज काफी कम थे, ऐसा लगता है कि अब चूंकि 31 जनवरी आ रहा है तो घटनाओं का जो बोलते हैं ना बाढ़ भी थोड़ा सा कम होता हुआ जा रहा है। ओके देन, बाय, जय हिंद।